सफूरा जरकर को प्रेगनेंसी से बचने के लिए कंडोम का यूज करना था। सलाह देने वाली MBBS छात्रा को कट्टरपंथी दे रहे हैं गाली। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आप सभी को अपने चैनल रुद्र टॉक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्र नेता सफूरा जरकर दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद है। मीडिया के एक विशेष ग्रोह ने सफूरा जरकर की प्रेगनेंसी की बात करते हुए मोदी सरकार का विरोध भी करना चालू कर दिया और उन्हें निशाना साधा है। सफूरा जरकर के बारे में ट्विटर यूज़र डॉक्टर जैली ने ट्वीट किया था कि उन्हें किसने कहा था कि वो कंडोम के बिना सेक्स कर ले। इसके बाद से जैली के इनबॉक्स में गालियों की बौछार हो गई। दरअसल सलमान निजामी सफूरा जरकर को एक्टिविस्ट बताते हुए ट्वीट किया कि वो प्रेगनेंसी के दौरान और रमजान के महीने में जेल में बंद हैं, जबकि कपिल मिश्रा जैसे घृणा फैलाने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने लिखा कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर उसी के ट्वीट में जवाब में देते हुए कई ट्विटर यूज़र ने कहा कि कपिल मिश्रा ने कोई दंगे नहीं भड़काए, ना ही वो दंगा की साजिश करते हैं, अपने ही देश के विरोध में कुछ करते हैं तो उन्हें भला जेल में क्यों डाले। वहीं सफूरा के लिए उन पे जो आरोप हैं वो भी गिनाए आम ट्विटर यूज़र्स ने। दोस्तों, बस इसके बाद खेल शुरू हुआ। उसके बाद इनबॉक्स में काफ़ी सारे कट्टरपंथियाँ घुसाए और जैली डॉक्टर को काफ़ी सारी गालियाँ और भी कई तरह की बद्दी बातें की। कादरी नायट नामक व्यक्ति ने अपशब्द कहे। मोहम्मद मुद्दीन ने यहाँ तक लिखा कि तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो। अजरुद्दीन ने तो यह तक कह दिया कि काश आपके पेरेंट्स ने भी सेक्स करते वक्त कॉन्डोम का प्रयोग किया होता तो आप पैदा ना होती। और भी एक ट्विटर यूज़र सैयद अबरार ने तो माँ की गाली दी। इमरान मिर्ज़ा ने तो इतना पूछ डाला कि क्या कॉन्डोम के साथ आप मेरे साथ सेक्स करोगी डॉक्टर जैली, मैं आपको इसके बदले रुपया भी दूंगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी कई भद्दे कमेंट जिनको भी पढ़ना शायद बहुत ही बुरा होगा और किसी भी महिला के लिए इतना अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का समर्थन करते हैं तो ठीक है, मगर आप मर्यादा में रह के करें। और क्योंकि वह दिल्ली पुलिस के द्वारा आरोपी सिद्ध हो चुकी हैं तो फिर इसलिए वो जेल में बंद है, उनको कैसे छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए भी रूल होता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर ये कट्टरपंथी लोगों को समझना पड़ेगा। डॉक्टर जैली ने खुद सारे स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए जानकारी दी है। फिलहाल आपको बता दें, उन्होंने ऐसे लोगों को सिंगल सोर्स पीपल का भी नाम दिया है। सफूरा जरकर CM विरोधी प्रदर्शनों और लोगों को भड़काने में भी सक्रिय थी। वो अप्रैल 10, 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली में दंगे भड़काने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। सफूरा जामिया को कोऑर्डिनेटर कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। दोस्तों, सफूरा जरकर के खिलाफ UPA के तहत मामला चल रहा है। सफूरा जरकर ने जाफराबाद सीलमपुर में 50 दिनों के हंगामा की साजिश रची थी और वहां महिलाओं बच्चों को बिठाने के लिए पूरा जोर लगाया था। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के फिरोज खान ने भी सफूरा जरकर को रिलीज करने की मांग कर दी है और ये मामला बहुत ही तूल पकड़ते हुए जा रहा है। दिल्ली पुलिस पर उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग करने का भी फिरोज खान ने कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया। यहाँ पर कांग्रेस को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या हुआ, किसी दंगाई का साथ देंगे क्या? सफूरा जो जरकर पे उन्हें इतना भरोसा है कि वो दंगाई नहीं और उन्हें फंसाया गया है, क्या देश की सरकार और पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं रहा? यहाँ पर कांग्रेस को भी आकर स्टैंड क्लियर करना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या व्यू है इस मामले पर कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। निष्पक्ष निष्फल बात करें। और दोस्तों, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप सब खुद को और ज़्यादा अपडेट रखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और सभी एंटरटेनमेंट की खबरें लाते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।